बोल रहा था नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ लोग के अपना कार्यक्रम जो ना के नाम हो खूटा ठोक के, लेकिन आज हम खूटा ठोक के में एगो विशेष विषय लेकर के आयल बनी और विषय बहुत ही जरूरी बा। ये चलते रुआ से क्षमा प्रार्थना पहले कर देता नहीं कि आज भोजपुरी में पूरा कार्यक्रम ना करके हम ऐसा कल चाहता नहीं कि जौन बड़ा प्रोस्पेक्ट में एक बड़ा प्लेटफॉर्म पर बड़ा बात जाए और एकरा के रुआ चुनावी प्रपंच के रूप में भी मान सकीले। आज के चूँकि मुद्दा बड़ा बा और रउआ से डायरेक्ट जुड़ा बा, सीधा रुआ से जुड़ाव बा, रुआ भविष्य से जुड़ाव बा, वर्तमान से जुड़ाव बा और एकरा साथ साथ बिहार के मुस्तकबिल के साथ जुड़ल बा। ये चलते एकरा के हम अब दूसरा परिप्रेक्ष्य में लेके जाता नहीं। रुआ लोग कहावत सुन लो, कब हर घर में लगभग कहल जाला कि पढ़ब लिखब तो हो जीब बढ़िया आ खेलब कूदब तो हो जीब खराब। एकरा के अब नया परिप्रेक्ष्य में लेके चल जाओ और रुआ जानता नहीं कि कोरोना काल में का कुछ भइल बा, ओकरा के लेकर के पढ़ाई लिखाई सब कुछ कहीं ना कहीं तमा गइल बा। लेकिन एकरा अलावे एगो बड़ा बात रुआ सामने आ गइल बा, रुआ घर में लॉकडाउन रही हाँ और लॉकडाउन के दौरान रुआ कौना कौना समस्या के सामना करे के पड़ल। वो समस्या में सबसे बड़ समस्या रहे रुआ भविष्य के बारे में, कारण कि रुआ बाल बुतरू जो बच्चा बढ़न उनका के पढ़ावे लिखावे में जो समस्या होत रहे उस समस्या और बड़ा हो गई और पढ़ाई लिखाई के प्रयास कैला के बाद भी आगे ना बढ़ पाओ। ओकरा बाद अब फीस के बात हो रहा बा, सरकार के बात हो रहा बा, निजी विद्यालय के बात हो रहा बा। ये सब बात के लेकर के आज निजी विद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर डी के सिंह जी साथ में बानी और एकरा चलते विषय बड़ा हो गई बा। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। आज हम एक विशेष विषय के साथ इस चुनावी माहौल से थोड़ा सा अलग, लेकिन चुनाव को छोड़ नहीं रहे हम, आपसे संवाद करने के लिए आए हैं और हमारे साथ हैं बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर डी के सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आज हम लोग बैठे हैं, ये बिहार के लोगों का बहुत पसंदीदा कार्यक्रम है खूटा ठोक के। आज हम खूटा ठोक में बैठे हैं कि आप निजी शिक्षण संस्थाओं को एक संतुलित आकार देकर के लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो कमियां रहती हैं सरकार के साथ बात करना हो, वार्ता करना हो, या बच्चों के भविष्य की बात हो, या गार्जियन के साथ सामंजस्य बैठाने की बात हो, इसमें आपको कितनी दिक्कतें होती हैं सरकार और उन गार्जियंस के साथ सामंजस्य बैठाने में? मैं ये क्लियर रूप में बता दूं कि जो भी निजी विद्यालय हैं ये जनता की विद्यालय है जी, पब्लिक की विद्यालय है। आज निजी विद्यालय के मालिक कौन है? ये जनता मालिक है जी। सरकार के तरफ से ये जनता के लिए, ये निजी विद्यालय के लिए हरासमेंट के सिवा कुछ नहीं मिला जी। 1992 से मैं लगातार अध्यक्ष हूँ और ये पब्लिक स्कूलों के लिए जी, निजी विद्यालयों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये निजी विद्यालय की लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक की लड़ाई है। आज करीब करीब 1 करोड़ बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, 60,000 स्कूल चल रहे हैं जी। कुछ निजी विद्यालयों को छोड़ दिया जाए जी, 10-15%, उसके बाद जो निजी विद्यालय हैं वो अपनी बेरोजगारी दूर करते हैं और साथ साथ 15-20 लोगों की भी बेरोजगारी दूर करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग कम वेतन में भी जी शिक्षा देते हैं वो काबिले तारीफ है। आज गांव में एक रिक्शा पुलर से लेकर के जी और मंत्री तक के, हाई ऑफिशियल्स तक के बच्चे निजी विद्यालय में। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो भूमिका रखी उस भूमिका में कहीं ना कहीं सरकार की अक्षमता और ऐसे लोगों की सक्षमता दिखाई दे रही है। सरकार जितने भी दावे कर ले, अपने सरकारी विद्यालयों में जितना भी खर्च कर ले, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है। निजी विद्यालय यदि नहीं हो तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक साथ हम चर्चा और करेंगे कि जो लॉकडाउन के पीरियड में कई तरह की विवाद आए, कई तरह की बातें सामने आई, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज जो बैठे हैं उस कारण को बता दें, सरकार से नाराज और इस व्यवस्था के खिलाफ एक बिगुल फूका है इन्होंने। वो बिगुल है कि इस लोकतंत्र को मजबूती कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसे जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो बहुत ही जल्दी आपके नज़र में आया और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपने एक पहल किया है,
कि अब चुनाव में योग्य पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को लाएंगे। इसके लिए आपने 26 तारीख को एक प्रेस वार्ता भी किया था और एक पार्टी का घोषणा भी किया। इस आने वाले 2020 के चुनाव में आप क्या बदलने जा रहे हैं? मैं ये बता दूं पहले कि सरकार के खिलाफ नहीं जी, बिहार के विकास के लिए हमने देखा अभी जो पेरेंट्स के साथ हुआ जी, जो ये जनता के साथ हुआ जी, सरकार की दोहरी नीति से नहीं होना चाहिए था जी। आज करोड़ों लोग जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो दो ही बात होती, या तो प्राइवेट स्कूल को ये कहा जाता कि आप सब लोग जितने भी गार्जियन हैं उनका माफ़ कर दिया जाए, या पेरेंट्स को ये कहा जाता कि आप COVID-19 के तहत जो भी प्रॉब्लम आप झेले लेकिन स्कूल को आपको पैसा देना है जी। ये ऐसा नीति नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि निजी विद्यालय एक ऑनलाइन सिस्टम आया जिससे बच्चों की पढ़ाने की बात आई, ये गवर्नमेंट के दिया हुआ ऑनलाइन सिस्टम, और उन्होंने कहा कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो पेमेंट करेंगे जी। और बच्चे क्या होंगे? आज तो सभी बच्चों के लिए बिल बुक चला गया जी, कि भाई आपको पेमेंट करना है जी। निजी विद्यालय एक स्कूल खोलने में 25 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ रुपया तक लगता है जी। जब CBSE की एप्लीकेशन मिलती है, सरकार चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार 2 पन्ने की एक चिट्ठी, केंद्र सरकार 4 पन्ने की एक चिट्ठी, इसके अलावे निजी विद्यालय के कोई मदद नहीं है। बड़े स्पष्ट ढंग से इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो कंट्राडिक्शन छात्र गार्जियन और सरकार के साथ निजी विद्यालयों में है उसके बीच में कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां दोषी हैं। और बड़ा ही स्पष्ट ढंग से इन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि दो बातें करती, या तो गार्जियन को ये बता देती कि आपको फीस देना है, या सीधे कह देती कि फीस नहीं देना है। इसके बहुत सारे रास्ते थे लेकिन उन रास्तों को कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी नीतियों के खिलाफ करते हुए बंद किया और वहाँ से ये पूरा विवाद और कन्फ्यूजन पैदा हुआ। और इस कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं निजी विद्यालय के जो संचालक हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान को का हल निकालने के लिए आपके पास योजना क्या है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि निजी विद्यालय ने जो ये समस्या सामने आया निजी विद्यालय के जी, सामने जी, ये सरकार से कहा कि 75 करोड़ रुपया जी गवर्नमेंट का पैसा सर जो सरकार दिया है, केंद्र का पैसा है जी, और 25% बच्चे को जो स्कूल पढ़ाया है जी, 2011 से लेकर के 2020 तक एक पैसे का भी निर्गत इन्होंने नहीं कहा। निजी विद्यालय ने कहा कि ठीक है, अगर वो पैसा आप दे देते हैं तो ये 25-30 लाख जो शिक्षक है जो आज रोड पर है जी, 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 आप बड़े स्कूलों की थोड़ी बात छोड़ दीजिए, 10% बड़े स्कूल हैं उसके बाद जो स्कूल है, अगर ये पैसा मिल जाता जो रिकॉग्नाइज स्कूल है तो कम से कम ये शिक्षक की वेतन मिल जाती जी। सिर्फ सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिजली कमर्शियल, लैंड कमर्शियल, बसेस कमर्शियल, EMI देने की बात, अगर ये सरकार इतने करोड़ रुपया मिला जी, अगर प्राइवेट स्कूलों को दे देता, मत दो प्राइवेट स्कूलों को, ये बच्चे को ही दे देते अकाउंट में, तो आज न गार्जियन को भोगना पड़ता और ना ही निजी विद्यालय को भोगना पड़ता। निजी विद्यालय 100% हमारे जनता, हमारे पेरेंट्स के सहयोग से चलता है। गवर्नमेंट कभी भी इनसे इंटरफेयर नहीं किया, गवर्नमेंट ने साजिश किया और साजिश के तहत ये कहते हैं कि निजी विद्यालय आपके शोषण करते हैं, निजी विद्यालय माफिया होते हैं, लेकिन सत्य यही है कि हम जनता के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ है, बच्चों के भविष्य के साथ है और उन्हीं के लिए समर्पित भावना से काम करते हैं। बहुत ही स्पष्ट ढंग से डीके सिंह जी ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन इन बातों के बीच में जो इस समस्या का समाधान ये पूरा एसोसिएशन और निजी विद्यालय संचालक झेल रहे हैं, उस समस्या का समाधान तो निकालना इन्हीं को होगा या गार्जियन निकालेंगे, चूँकि सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आगे हम आपको बात जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इससे हट करके है। डीके सिंह जी ने जब ये सारा माहौल शुरू हुआ उस बीच में जिस तरह की कठिनाइयां झेली, उसके बाद इनके एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठ करके जो बैठक हुई, उस बैठक में एक फैसला लिया गया कि क्यों ना हम इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जिसमें शिक्षा है, रोजगार है, पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सब कुछ को जोड़ करके और क्यों ना एक स्तंभ खड़ा किया जाए
कि हमारे भी लोग, हमारे एसोसिएशन से जुड़े लोग चुनाव लड़ें। इसके लिए एक पार्टी का निर्माण किया गया और वो पार्टी अब 243 यानी कि बिहार के सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये तैयारी कितना मजबूत है और इसके पीछे क्या रीज़न है, ये हम जानेंगे डॉक्टर डी के सिंह जी से। सर, आपने चुनावी पार्टी बनाई और उस पार्टी के बाद अब आपने घोषणा भी कर दिया 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके एसोसिएशन से जुड़े लोग और शिक्षाविद से और शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को भी आपने, चूंकि आपका मकसद जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई उसमें आपने कहा कि लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों और शिक्षाविदों की ज़रूरत है चूँकि कानून बनाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या पहल हो रही है और कितने आगे आपकी योजना बढ़ी है? देखिए, बिहार की जो स्थिति बनी है, हम कर्नाटक गए, केरल गए, दिल्ली गए, हर डिस्ट्रिक्ट में, ये हर स्टेट में घूमे जी। घूमने के बाद हमें लगा कि बिहार के टीचर, बिहार के स्टूडेंट, ये दोनों कहाँ हैं? कोटा में हैं जी। आ जगह का नाम राजस्थान, कोटा। हम इसको रोकेंगे? जब बिहार में हमारे टैलेंट है जी, बच्चों में भी और टीचर में भी, तो पहला ये बात है कि बिहार के शिक्षा के सुधार के लिए इसको रोकेंगे। दूसरी बात है, लाखों बच्चे बिहार से कर्नाटक, केरल, नोएडा, ये बॉम्बे, महाराष्ट्र, चेन्नई, ये सब में जा रहे हैं। उसके जो पलायन है टेक्निकल कॉलेज के द्वारा, हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि लाखों बच्चे जो अरबों रुपया बिहार से बाहर जाता है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात यह है, स्कूलिंग शिक्षा पर निजी विद्यालय का वर्चस्व हो चुका है जी। इसमें कहीं दो मत नहीं है जी, जी, जी। नर्सरी क्लास के से लेकर के प्लस टू तक के लाखों बच्चे बिहार निजी विद्यालय से लाभान्वित है और हम उनसे संतुष्टि भी है। इसलिए संतुष्टि है कि बिहार की जनता, बिहार के भविष्य, बिहार के बच्चे आज देश में नहीं विदेश में जा कर के काम कर रहे हैं और उनका आधार निजी विद्यालय है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है आपने कही कि शिक्षा का जो स्तर है, कभी हमारे बिहार को शिक्षा स्थली के रूप में जाना जाता था, यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे और इन सब के बाद जो हमारी शिक्षा की बदहाल स्थिति है उसकी जिम्मेदार निश्चित रूप से हमारी सरकारें हैं, जिन्होंने शिक्षा पर ध्यान तो दिया पर शिक्षा कैसे दी जाए इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज जो किरकिरी और बदनामी हो रही है, इसका अगर गुणगान करना शुरू किया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। निजी विद्यालय नहीं होते तो आज दुनिया को लीड कर रहे हैं, जैसा कि डी के सिंह साहब ने बताया कि दुनिया को हमारे बिहार के बच्चे लीड कर रहे हैं। हम हर जगह अपने बच्चों का बेहतर और परफेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं, उसके पीछे निजी विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने कहा कि हमारा पूरा वर्चस्व और कब्जा शिक्षा पर हो गया है। ये दावा यूं ही नहीं है, क्योंकि अगर सरकार मजबूत होती, सरकारी विद्यालय मजबूत होते तो ये निजी विद्यालय नहीं पनपते। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने घर में बैठ करके सोच सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान आपके बच्चे जब कोटा में गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें घर वापस बुलाओ, तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे और ये निजी विद्यालय यही चाहते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय भी यही चाहते हैं कि जो शिक्षा बाहर जाकर के हमारे बच्चे लेते हैं, वहाँ भी शिक्षा देने वालों में बिहार के अधिकांश टीचर्स हैं, तो क्यों ना हम बिहार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें जिससे कि बच्चों को भी नहीं जाना पड़े और हमारे यहाँ के अर्थ जो वहाँ जाते हैं वो भी ना जा पाएं। इसके लिए ये बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और अब चुनाव में उतरने की तैयारी है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग, क्या तैयारी? मैं शिक्षा के साथ साथ जी स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ जी, भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, विधि व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और बिहार में जो दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के साथ जैसा दोहरी नीति हो रही है, मैं भी ये बता रहा हूँ कि ये गरीब बच्चों के लिए जिसके कोई गार्जियन नहीं है, मैं ओपन रूप में कह रहा हूँ, जैसे मूसर के बच्चे, डोम के बच्चे, स्वीपर के बच्चे, अगर हमारी सरकार आ गई तो मैं निश्चित रूप में कह रहा हूँ कि ये इन बच्चों के लिए मैं निश्चित रूप में 10,000 स्कूल खोलेंगे और जिसमें कुछ नहीं लगेगा, गार्जियन को, पेरेंट्स हम बनेंगे और वो बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा दावा आपने किया। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य की बात आती है तो आज से लोग पलायन करते हैं, आज कर्नाटक जा रहे हैं, आज लोग दिल्ली जा रहे हैं, हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि वो चीज़ पटना में अवेलेबल होगा और वो स्वास्थ्य पटना में बच्चों के लिए या पटना के पब्लिक के लिए
इतनी अच्छी व्यवस्था रहेगी कि लोग देखेंगे। जिस तरह शिक्षा को, शिक्षा हमको दिया नहीं, ये सरकार का काम था, निजी विद्यालयों ने शिक्षा अपने वर्चस्व के, अपने संकल्प से, अपने कर्तव्यनिष्ठा से, अपनी कर्तव्य पारायणता से सरकार से छीना है। और सरकार से इसलिए छीना कि बिहार के नौनिहाल, बिहार के जनता उससे कुंठित हो रही थी, और उसको मैंने दे करके दिखाया कि शिक्षा कैसे होता है। सिंह साहब, एक तरफ सरकार जो चीजें लंबे समय से, आजादी के पहले से चली आ रही है, जो सरकार के संरक्षण में थी, उसे निजीकरण की तरफ ढकेल रही है, और शिक्षा जो आप लोग बेहतर कर रहे हैं उसको परेशान कर रही है, बर्बाद करने पर तुली है। इसके लिए आपकी लड़ाई बड़ी है, इसके लिए आप हेड्स ऑफ आप करते हैं। लेकिन एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की आपने ठानी है, आपकी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी ये है कि मेरा पूरा संगठन जी ब्लॉक स्तर तक जी, और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष को जी ये जिम्मेवारी दिया गया है कि आपके कंस्टिट्यूएंसी में जी, आपके जिले में जितने कंस्टिट्यूएंसी है, उस कंस्टिट्यूएंसी में हमारे कौन स्कूल संचालक लड़ेंगे। अगर कोई समाज सेवी हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई लेक्चरर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आईएएस रिटायर्ड हो, कोई आईपीएस रिटायर्ड हो, या मीडिया के भाई हो, जो भी एक शिक्षा का, एक समाज का, एक बिहार का विकास के लिए, बिहार के परिवर्तन के लिए समर्पित भावना से काम करेंगे, हम निश्चित रूप में उनको शिक्षक ये टिकट देंगे। और मैं ये बता दूं कि 90% से ऊपर शिक्षाविद वहाँ चुनाव लड़ेंगे, और बिहार में एक नया परिवर्तन होगा, बिहार में एक नया आवेश जगेगा, लोगों में एक अच्छा वातावरण बनेगा, और निश्चित रूप में हम 243 लड़ करके, और ये बताएंगे, मेरा ये पहला इलेक्शन है जी, लेकिन हम जनता को ये बताएंगे, अगर मेरी सरकार नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं है, जो इसके लेकिन संदेश दें, हाँ, लेकिन ये ऐसा संदेश जाएगा कि बिहार एक न एक दिन कोटा होगा, बिहार न एक न एक दिन कर्नाटक बनेगा, बिहार एक न एक दिन केरल बनेगा, और बिहार हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखों में, शिक्षाविदों का सबसे शिक्षा में अव्वल आएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा रहेगी। बहुत बड़ा वादा किया है डीके सिंह साहब ने, और इस वादा के साथ साथ हम आज यहीं विराम लेंगे, लेकिन दो तीन बातें हैं जो कहनी बहुत ज़रूरी है, हम डीके सिंह साहब से फिर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि डीके सिंह साहब ने जो बातें कही हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि जो रोज़गार आप खोज रहे हैं, रोज़गार बिहार में नहीं है, रोज़गार दे रहे हैं, शिक्षा की बात आप करते हैं, शिक्षा ये दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य ये देने के लिए तैयार हैं, आप सिंचाई की बात कर रहे हैं वो भी ये दे रहे हैं, सब कुछ ये दे रहे हैं। और साथ में एक और चीज़ इन्होंने कही है, जात पात से अलग हट करके इन्होंने कहा है कि सर्व जन के लिए, जो जमीन से अंतिम पैदान पर जो लोग खड़े हैं, उन पैदान पर खड़े लोगों के लिए भी स्कूल का निर्माण करेंगे, और उनके बच्चों को जो पढ़ाने में सक्षम नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से हो, संप्रदाय से हो, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया। बहुत बड़ा बड़ा वादा हुआ है, और ये वादा इस चुनाव में देखने को मिलेगा। एक तरफ जहाँ बड़ी बड़ी राजनीतिक दल जो ये दावा कर रही हैं कि हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, हम पलायन रोकेंगे, उस सारी चीज़ों को रोकने का दावा ये कर रहे हैं, और इन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि 60,000 निजी विद्यालय हैं जिसके संचालन का जिम्मा इस एसोसिएशन के पास है, और इतने ही संस्थानों में लोग जब काम कर रहे हैं तो रोजगार का भी ये सृजन कर रहे हैं। हम फिर जुड़ते हैं, चुनाव है, बहुत सारी बातें होंगी, हम फिर मिलेंगे डीके सिंह साहब से, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, और देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।